गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिकम सेमेस्टर थ्री कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 2019 का अक्टूबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हम सम नंबर थ्री यानी आपका बैंक अकाउंट जो है उसके सम्स करेंगे बैंक अकाउंट में 14 मार्क्स का क्वेश्चन और उसके ऑप्शन में सेवन सेवन के दो क्वेश्चन आते हैं 2019 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में बैंक अकाउंट का 14 मार्क्स का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको पी अकाउंट फॉर्म बी शेड्यूल 13 टू 16 बनाना है उसके ऑप्शन में सेवन सेवन मार्क्स के दो क्वेश्चन बैंक के पूछे जाते हैं बैंक अकाउंट में थ्योरी के चांसेस आप समझिए नील है बैंक अकाउंट में इस तरह का ही फॉर्मेट हमेशा फॉलो किया जाता है कि जिसमें कि जिसमें आपको फोर्टीन मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन और ऑप्शन में सेवन सेवन मार्क्स के दो क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है दैट इज फॉर्मेट बनाना हमें पी अकाउंट का और उसी तरह बैलेंस शीट का और सेवन सेवन के कौन कौन से आ सकते हैं वो भी मैं आज आपको इसमें बता देती हूँ तो इस वीडियो में मैं आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी एक कि बैंक अकाउंट में क्या करना है क्योंकि बैंक अकाउंट यस मैं जो बोलने वाली आई नो दैट बैंक अकाउंट इज द इजिएस्ट चैप्टर एमोंग ऑल द फोर चैप्टर्स ऑफ योर कॉरपोरेट अकाउंटिंग येस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं और एक आएगा तो दूसरा आएगा और दोनों में ही एडजस्टमेंट हमको याद रखने पड़ते हैं लिक्विडेशन में भी सेम है बैंक अकाउंट एक फिक्स फॉर्मेट के साथ जाता है अगर आप बैंक अकाउंट की जो बोलते हैं ना कि उसकी आ, उसका मेन जो थीम है वो समझ लीजिए तो बैंक इज़ द इजिएस्ट वन लेट स्टार्ट 14 मार्क्स में क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आज हम बात करते हैं इस सेवन सेवन मार्क्स के आ, छोटे सम्स के बारे में ये दोनों ही मैं सॉल्व कराऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि आपको बुक में से क्या लर्न करना है जिससे आपको कोई भी सेवन सेवन मार्क्स में किसी भी तरह का सम पूछे तो आपको आए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आ, सम सॉल्व करने से पहले कि आपको क्या करना है शॉर्ट सम्स के लिए इन बैंक अकाउंट राइट थ्योरी का वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की थ्योरी मोस्ट टाइम की थ्योरी दे दूंगी पर वो बहुत थोड़ा सा है इसलिए बैंक अकाउंट के लिए स्पेसिफिकली कि आपको क्या लर्न करना है जिससे आपको शॉर्ट सम समझ में जाए ओके सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले आपको ये चीज़ लर्न करनी है दैट इज अबाउट एंट्रीज विथ अकाउंट्स आपको जनरली सेवन मार्क्स में यही पूछेंगे इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेप्स आपको ये पेज नंबर टू थर्टी एट पर इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेप्स जो है उसमें जो जनरल एंट्रीज हैं आप इसे लर्न करिए ये मोस्ट टाइम भी है ये जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बैंक में दिखाती हूँ उसे आप लर्न करिए आपके सम कैसे करने सम तो मैं सिखा रही हूँ आपको सो इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेप ये जनरल एंट्री कर लीजिए उसके बाद रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड उसकी इतनी जनरल एंट्री कर लीजिए उस दैट इज ऑन पेज नंबर टू फोर्टी टू आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन ऑफ लोन कैश क्रेडिट एंड ओवर ड्राफ्ट एंड बैड डेप्ट एंड बैड डेप रिटर्न दैट इज कॉल्ड एल सी ओ बी एल सी ओ बी लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड बैड डेप बैड डेप रिटर्न उसकी इतनी जनरल एंट्री जो है दिस वन ये आप लर्न कर लीजिए दैट्स आप अगर इतना लर्न करते हैं ये 14 मार्क्स के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकिन 7 मार्क्स के छोटे सम्स के लिए आपको कितनी जनरल एंट्री लर्न करनी है तो आपको सबसे पहले लर्न करनी है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेप देन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट एंड देन एल सी ओ ओ बी लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड बैड डेप एंड बैड डेप रिजर्व ये आप जनरल एंट्री लर्न करिए 2019 में जो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं उसमें एक इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल का का है 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 और दूसरा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जनरल एंट्री लिखनी सम को कैलकुलेट करना है और एक में अकाउंट्स भी शायद पूछे हैं तो लेट स्टार्ट आप इतनी जनरल एंट्री लर्न कर दीजिए मैं आपको सेवन मार्क्स के ये दो पॉइंट वाला सम तो करा ही देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोर्टीन मार्क्स पी अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझाती हूँ दूसरी चीज़ थियोरी के लिए भी एक वीडियो आएगा चलिए और मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पर वीडियो डालूँ लेकिन थोड़ा सा दूसरे कामों में भी मैं बिजी हूँ सो आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियो एवरी डे बट एक दिन छोड़ के तो वीडियो कंफर्म आ जाएगा ओके चलिए मैंने थोड़ा सा रेडी करके रखा है गुजरात यूनिवर्सिटी टू क्वेश्चन थ्री ए दिस इज़ फॉर सेवन मार्क्स और सेवन मार्क्स के लिए बिल्कुल बुरी डील नहीं है चलिए मैं पढ़ लेती हूँ वाई क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कालूपुर कमर्शियल बैंक लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज फाउंड बैंक के लिए ना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सो थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन ओके क्लोजिंग इट वॉज फाउंड इन द लोन लेजर रुपीज़ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड ओवर ड्राफ्ट रुपीज़ वन लेख एज अनसिक्योर्ड बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ वन मर्चेंट श्री योगेश भाई हुज फाइनेंशियल पोजिशन वॉज रिपोर्टेड टू बी बैड एंड डाउटफुल मतलब ये कहता है कि उनका जो लोन अकाउंट है मिस्टर योगेश भाई का जिसमें लोन डेढ़ लाख की और ओवर ड्राफ्ट एक लाख यानी टोटल ढाई लाख वो अनसिक्योर्ड बैलेंस था और अब उनकी इस कंडीशन सही नहीं है मॉरल ऑफ द स्टोरी वो अब आपका पैसा चुका सके ऐसी स्थिति में नहीं है द इंटरेस्ट वॉज चार्ज ऑन द सेम अकाउंट एट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम ऑन थर्टी फर्स्ट में नाइनटीन द बैंक एक्सेप्टेड सेवेंटी पैसा इन अ रुपी ऑन अकाउंट ऑफ द टोटल डेप्ट ऑफ श्री योगेश भाई यानी योगेश भाई से हमें सेवेंटी पैसा इन अ रुपी एक रुपये में सेवेंटी पैसा मिलना है यानी सेवेंटी परसेंटेज सेवेंटी परसेंटेज पैसा हम उससे रिकवर कर चुके हैं और उसका अकाउंट सेटल कर चुके यानी थर्टी परसेंट हमें नहीं मिला है फ्रॉम द अब ट्रांजेक्शन पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बैंक कोई अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है सेवन सेवन मार्क्स के लिए कैलकुलेशन दिखा के आपको जनरल एंट्री पोस्ट करनी है चलिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले कितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेप ये जो भी है सम uh, वो डाउटफुल डेप्स का है जो योगेश भाई हैं श्रीमान योगेश भाई जिनसे हम कितना पैसा हमें लेना था अच्छा हम कौन मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जब भी आप बैंक अकाउंट करें तब हम बैंक हैं हम कस्टमर्स मर्चेंट नहीं हैं नॉर्मल केस में हम हम बिजनेसमैन होते हैं हमारी कंपनी होती है हमारे अकाउंट्स हैं यानी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं लेकिन वेन वी, वी आर डूइंग बैंक अकाउंट वी आर बैंक हमेशा ऑथोरिटी हम होते हैं इतना याद रखिए जब भी आपको अकाउंट्स बनाने हैं ना तो यू आर बिहेविंग लाइक एन ऑथोरिटी और आप ही के अकाउंट्स बन रहे हैं तो यहाँ पर बैंक के अकाउंट बन रहे हैं तो मिस्टर योगेश भाई हैं सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या कैलकुलेट वन टू थ्री फोर याद रखना फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एक्रूड यानी कि आपका कितना इंटरेस्ट लेने का खड़ा होता है तो टोटल तो अमाउंट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बाकी थी मिस्टर योगेश भाई की कैसे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बाकी था योगेश भाई का डेढ़ लाख का उसका लोन था और बैंक ओवर थे वन लैख ओके सो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड उनका बाकी था उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट था ट्वेल्व परसेंट ये मैं पढ़ चुकी हूँ सो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट होता है थर्टी थाउजेंड सो हियर दिस इज़ योर इंटरेस्ट अक्रूड इतना पैसा ब्याज इंटरेस्ट लेना बाकी था स्टेप नंबर टू कितना पैसा मिला इतना पैसा हमें लेना था सिर्फ इंटरेस्ट का लेकिन टोटल हमें पैसा कितना मिला तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो प्रिंसिपल अमाउंट बाकी थी और उसमें हमें इंटरेस्ट कितना लेने का बाकी था उससे थर्टी थाउजेंड यानी इन टोटल मिस्टर योगेश भाई से हमें कितने पैसे लेने थे टू लैख एटी थाउजेंड राइट उसमें से कितना पैसा मिला उसने उसने कितना बोला है कि बैंक ने कितना रिकवर करा उससे सेवेंटी पैसा इन अ सिंपल सेवेंटी परसेंटेज यानी टू लैख एटी थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट हम करें तो वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड ये पैसा हमने रिकवर्ड कर लिया दिस अमाउंट इज रिसीव्ड लेकिन ये क्या है 280 का 70 परसेंट ना वट इज 280 280 एटी इज द टोटल ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का अगर हम चेक करें कि प्रिंसिपल अमाउंट में से हमें कितना पैसा मिला तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट सिर्फ ये चेक करें कि प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना मिला तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट होता है वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड यानी दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में कितना पैसा मिला ये है तो 175 सेवेंटी फाइव एंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में कितना पैसा मिला तो वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर जो थ्री है दैट इज कि आपका कितना बैड डेप्ट हुआ बैड डेप रिटर्न ऑफ अब उसको हम देखें कि बैड डेप रिटर्न ऑफ तो बैड डेप का मतलब है कि हमें कितना पैसा लेना था मिस्टर योगेश भाई से तो हमें लेना था टू लैख फिफ्टी थाउजेंड प्रिंसिपल अमाउंट राइट और उसने हमको कितना पैसा दिया वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट नहीं आता बैड डेप में बैड डेप इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे जो जिसे हम कहते हैं कि बैड डेप कितनी हुई सेवेंटी फाइव थाउजेंड ओके नाउ स्टेप नंबर फोर अमाउंट रिसीव्ड टर्ड्स इंटरेस्ट टूआर्ड्स इंटरेस्ट देखो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये सिर्फ प्रिंसिपल अब बात करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट की कितनी इंटरेस्ट अमाउंट थी थर्टी थाउजेंड फर्स्ट स्टेप उसमें से कितना मिला सेवेंटी परसेंट ओवरऑल सेवेंटी परसेंट मिला ना तो थर्टी थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट कितना होता है ट्वेंटी वन थाउजेंड दिस वन दिस ट्वेंटी वन थाउजेंड इज रिसिव्ड एंड द लास्ट स्टेप नंबर फाइव कि थर्टी थाउजेंड आपको इंटरेस्ट लेना था ट्वेंटी थाउजेंड आपको इंटरेस्ट मिला यानी जो नाइन थाउजेंड है ये मिस्टर योगेश भाई के अकाउंट में बाकी बताएगा यानी दिस अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड बट दिस इज़ व्हाट इंटरेस्ट ये क्या है इंटरेस्ट ओके okay? तो ये आपको कैलकुलेशन याद रखनी सिंपल है ना स्टेप बाय स्टेप देख लूँ इंटरेस्ट का क्रूर थर्टी थाउजेंड कितना इंटरेस्ट बाकी ए, लेने का बाकी उसे तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट थर्टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी कहाँ से आए यहाँ से आए कितना पैसा मिला टू फिफ्टी प्रिंसिपल है थर्टी इंटरेस्ट है टू एटी है टू एटी का सेवेंटी परसेंट वन सिक्स कोई पूछे भैया प्रिंसिपल का काउंट करो तो, तो प्रिंसिपल टू फिफ्टी है उसका सेवेंटी परसेंट वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड कितना नहीं मिला टू फिफ्टी प्रिंसिपल अमाउंट वन सेवेंटी फाइव प्रिंसिपल बाकी सेवेंटी फाइव इज योर बी डी उसी तरह इंटरेस्ट का चेक करें कितना इंटरेस्ट मिला थर्टी थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट ट्वेंटी वन थाउजेंड नहीं मिला नाइन थाउजेंड जो नहीं मिला वो मिस्टर योगेश के अकाउंट में जाएगा एज अ बैलेंस कि भाई इतना पैसा लेने का बाकी है चलिए ये हो गई हमारी वर्किंग नोट्स मार्क्स हैं इसके दिस इज नॉट अ वर्किंग नोट दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ योर सम नाउ लेट्स पास जनरल एंट्रीज जनरल एंट्री नंबर वन देखो मैंने एंट्री लिखी है मैं आपको एक्सप्लेन कर दी डेट थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन श्री योगेश भाई अकाउंट टू इंटरेस्ट एस पे अकाउंट पहले पता करिए कितना इंटरेस्ट जो मिस्टर योगेश भाई से हमें लेना है स्टेप नंबर वन थर्टी थाउजेंड पहले हमने इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया है थर्टी थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड नाइन्टीन जब हमारा बाकी का ट्रांजेक्शन होता है कितना पैसा मिला कैश टू मिस्टर योगेश कैश 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 अमाउंट रिसिव्ड वन लैक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड स्टेप नंबर टू देन बैड डेप टू श्री योगेश भाई योगेश भाई से हमें कितना पैसा नहीं मिलेगा प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट नॉट इंटरेस्ट उसकी दूसरी एंट्री होगी सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्टेप नंबर थ्री देखो वन टू थ्री स्टेप नंबर वन टू थ्री अब बात करते हैं इंटरेस्ट की क्योंकि यहाँ तक तो हम सिर्फ प्रिंसिपल की बात करें कि ये प्रिंसिपल मिला ये प्रिंसिपल नहीं मिला इंटरेस्ट सस्पेंस थर्टी आपको लेना था इंटरेस्ट अकाउंट ट्वेंटी वन थाउजेंड आप ले चुके हैं दैट इज सेवेंटी परसेंट और योगेश भाई के खाते में अभी भी नाइन थाउजेंड जो हमको नहीं मिलने वाले हैं सो दैट इज योर मिस्टर योगेश भाई इज अकाउंट ओके और इसी एंट्री को यहाँ पर जाएंगे जो हमें मिला है ट्वेंटी वन थाउजेंड दैट शुड बी ट्रांसफर टू पी अकाउंट तो ट्वेंटी आपका जाएगा पी अकाउंट में इंटरेस्ट हमें मिला है पी अकाउंट क्रेडिट होगा दैट्स इट इट इज सो सिंपल सेवन मार्क्स इसके अगर मिलते हैं तो क्या बुरा है अब दो वीडियो मेरे बैंक के देख लेंगे तो आपको लगेगा कि बैंक जैसा कोई ईजी चैप्टर नहीं है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेफ्स ये पहले एंट्रीज लर्न करो उसके बाद ये सम करना चलिए क्वेश्चन थ्री है सेवन मार्क्स के बाद क्वेश्चन थ्री का ही सेवन मार्क्स का दूसरा कॉम्बिनेशन में होंगे सेवन सेवन फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एटीन की है ओरिएंटल बैंक की बिल डिस्काउंटेड डेबिट बैलेंस थर्ट थ्री लैख डिस्काउंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर सिक्सटी थाउजेंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट फाइव थाउजेंड दिस इज फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन सो यू कैन से दैट दिस थिंग इज द लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस जो इस साल हम लेकर आए हैं ओके द एवरेज ड्यू डेट ऑफ द अबो डिस्काउंटेड बिल इज ट्वेल्व जून एटीन यानी कि जो डेट है एवरेज ड्यू डेट वो ये है रेट ऑफ डिस्काउंट ट्वेल्व परसेंट पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर डिस्काउंट अकाउंट एंड ऑल्सो शो द रिक्वेज इफेक्ट डिस्काउंट अमाउंट इन द पी एन एल अकाउंट फॉर द ईयर सेवनटीन एटीन मतलब कुछ ज़्यादा टिपिकल लिखा हो तो कुछ ज़्यादा दिमाग को खराब नहीं करने का एंट्रीज डालनी है डिस्काउंट अकाउंट बनाने एंड पी एन एल अकाउंट बनाना सिंपल अब कैसे करना है मैं बताती हूँ सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे तभी हम एंट्री कर पाएंगे ठीक है तो कैलकुलेशन की बात करें तो जो जो भी ज़रूरी चीज़ें वो मैं लिख लेती हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन देन द ड्यू डेट ऑफ बिल्ज डिस्काउंटेड सो ड्यू डेट ट्वेल्थ जून एटीन थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन का मतलब होता है फर्स्ट अप्रैल एटीन अब फर्स्ट अप्रैल से थर्टी सॉरी ट्वेल्थ जून एटीन अगर काउंट करें तो कितने होते हैं तो हम करेंगे अप्रैल अप्रैल के कितने दिन होते हैं थर्टी फिर हम करेंगे मे मे का होता है थर्टी फर्स्ट और जून जून के कितने होंगे बारह दिन होंगे ठीक है तो हम टोटल करेंगे थ्री थ्री सिक्स सेवन एंड थर्ट सेवेंटी थ्री डेज ये क्यों डेज हम काउंट करते हैं हमको जो बिल्स डिस्काउंट करना होता है अब सब बिल डिस्काउंट के बारे में इतना तो जानते हैं कि वो प्योरली जितने दिन जितने महीने जितना टाइम पीरियड उसी के हिसाब से काउंट होते हैं तो अगर डेज़ हैं तो डेज़ काउंट करने ही पड़ेंगे अब हमारे बिल डिस्काउंटेड की अमाउंट कितनी है थ्री लाख रुपीज़ कहाँ से लिखे मैम ये रहे बिल डिस्काउंटेड डेबिट बैलेंस थ्री लाख कितने दिन के लिए सेवेंटी थ्री डेज अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव इन टू रेट ऑफ डिस्काउंट इज ट्वेल्व परसेंट विच इज़ गिवन इसको अगर हम कैलकुलेट करें देन अवर आंसर इज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड बस आपको ये करना है आपने डेज के हिसाब से बिल डिस्काउंट काउंट कर लिए चलिए एंट्री करते हैं एंट्री कहाँ से करी मैम ने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये एंट्री आप लर्न कर लो वो आप लर्न कर लो रिबेट फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन ये आपका ओपनिंग बैलेंस है ये रहा है। पाँच हज़ार का तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फाइव थाउजेंड टू तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट फिर सीधी आपकी एंट्री क्लोजिंग की आएगी थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन की इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट सात हजार दो सौ का आपका डिस्काउंट हुआ इंटरेस्ट और डिस्काउंट का एक ही अकाउंट बनता है इसलिए इंटरेस्ट की एंट्री भी उसमें जाती है और डिस्काउंट की भी उसमें जाती है और आपकी लास्ट एंट्री इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टू पी एन एल अकाउंट कितना पैसा आप पी एन एल में ले जाएंगे उसने पूछा ना कि पी एन एल में क्या इफेक्ट आएगी ये आएगी ये कहाँ से लिखेंगे अमाउंट तो एक्चुअली डायरेक्टली तो डायरेक्ट तो लिख ही सकते हैं प्लस माइनस करके पर आइडियली अकाउंट बनाना होता है आपको पी एन एल अकाउंट जिससे आपके दो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं कौन से दो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं जो आपके क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि पी एन एल अकाउंट पर क्या इफेक्ट आएगी बताइए तो वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है ठीक है तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में सबसे पहली थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन पे कहाँ से लिख ये मैं कहाँ से करूंगी यहीं से करूँगी थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मैंने अच्छे से अकाउंट नहीं बनाया अब मेरी तरह नहीं करना आप अच्छे से बनाना है ना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट कितना अमाउंट सात हज़ार दो सौ अब यहाँ क्या लिखेंगे फर्स्ट अप्रैल सेवेंटीन सेम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट है तो हम डेबिट साइड पे जो भी है वो लिखेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट पाँच हजार समझ में आए ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट पाँच हज़ार ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट सात हजार दो सौ आपका जो टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड जिसे हम सेंडरीज अकाउंट में डालेंगे वो कितना है डिस्काउंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर सिक्सटी थाउजेंड आपने पूरे साल कितना डिस्काउंट अर्न करा सिक्सटी थाउजेंड तो वो आपने अर्न करा तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पर मैं लिखूँगी की फर्स्ट मार्च एटीन अकाउंट को बंद कर देते हैं बस और कुछ नहीं होता है सिक्सटी फाइव यहाँ पे भी सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव थाउजेंड में से सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड अगर माइनस करें तो आपके हाथ में आएगा फिफ्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड राइट दिस इज योर आंसर विच ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट ओके सेम डेट थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन तो यहाँ पर हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे फिफ्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड डन हो गया यही करना है आप पी एन एल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट बाकी रखेंगे उसको बंद कर देंगे और उसका पैसा यहाँ पर ले जाएंगे यही आपकी लास्ट एंट्री तीन ही एंट्री और एक इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट पी एन एल अकाउंट में क्या फ़र्क पड़ेगा तो पी एन एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे फिफ्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड दिखेंगी दैट्स इट ओके तो ये हो गया आपका क्वेश्चन थ्री टू सेवन मार्क्स जो ओके okay? सो so, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बैंक अकाउंट भी करवाऊंगी तो धीरे धीरे ये भी हो जाएगा आई नो आपकी एग्जाम आ रही पर उससे पहले तो मैं बैंक अकाउंट में जो आपको बड़ा क्वेश्चन मैंने कहा ना फोर्टीन का पी एन एल अकाउंट जिसमें है वो तो नेक्स्ट वीडियो मैं एक बना दूंगी जिससे जैसे मैं आपको समझाऊँ आप उसे वीडियो को ध्यान से देखिए आप फोर्टीन मार्क्स का क्वेश्चन भी अटैम्प कर पाएंगे बहुत अच्छे से ओके ये जिस जो जो तीन जो मेन पॉइंट की जनरल एंट्री मैंने बोली है वो आप लर्न कर लेना आपको इसके सम्स परफेक्टली आ जाएंगे ओके मैं सब करवाऊंगी बट एक ही प्रॉब्लम है टाइम का पर मुझे पता है आपकी एग्जाम है तो मैं फटाफट वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन एवरी वन बाय बाय